फ्रेंड्स, आज के टाइम पे इंक्रिप्शन इतना जरूरी है, हम सबको मालूम है। इंक्रिप्शन यानी कि जो हम लोग यूज करते जाते कि जो ह्यूमन रीडेबल ना हो। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जो कि आप उसमें मतलब कोई भी चीजें, कोई भी टेक्स्ट आप लिखोगे उसको आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, और इतना इजीली इंक्रिप्ट कर सकते हो ना कि मतलब सॉफ्टवेयर ना बहुत ईजी है, जो कि मतलब बोलते ना एक ऐसा आपको डाउनलोड करना है। और सॉफ्टवेयर कैसा है आप मतलब बहुत ही ईजी है, वो इसका यूजर इंटरफेस है ना बहुत ही ईजी है। तो मैं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखते कैसा है। तो सबसे पहले मुझे मेरे क्रोम ब्राउजर पर जाने का है, और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। क्रिप्ट टूल करके सॉफ्टवेयर है, ये देखिए क्रिप्ट टूल है, ये खुल के आ गया, ये देख रहे हैं क्रिप्ट टूल है, ये सॉफ्टवेयर है। आपको बस यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको आपको ये वाला न्यू वर्जन ऑफ क्रिप्टो टूल 1CT 1.4.42 रिलीज, इस पर क्लिक करना है रीड मोर पे, और नीचे जाके आपको डाउनलोड क्रिप्टो पे इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया है, तो मैंने इसको डाउनलोड अभी नहीं करूँगा। तो मैं आपको सीधा सॉफ्टवेयर पर चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो मैं सॉफ्टवेयर रन कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे क्रिप्ट डाल के ये देखो, ये सॉल्वर का इंटरफेस है, सॉल्वर ऐसे दिखेगा। तो नॉर्मली जो पहला आएगा तो आपको थोड़ा सा मतलब शुरू कैसे करना है फोन वो सब मतलब एक इंस्ट्रक्शन देगा कि मतलब चीज़ें कैसे काम करती है। तो इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देने का, क्लोज करते आपको एक ऐसा पॉपअप विंडो दिखेगा कि जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे रहेंगे। तो आपको अगर सीधा सीधा इसको भी करना है तो नॉर्मली ये भी इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को इसको नहीं करना, मैं एक नया पेज लूँगा। तो नया पेज लेने के लिए हम लोग को सबसे पहले इधर ये फाइल के नीचे पेज का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, एक नया पेज आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी मैसेज आपको टाइप कर देने का। सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि माय नेम इज नीरज, मैंने ये लिखा माय नेम इज नीरज है, मुझे इसको इंक्रिप्ट करने का। तो इंक्रिप्ट करने का फॉर्मूला से बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का ये ऑप्शन दिख रहा है, बस इस पर आपको क्लिक करने का। और क्लिक करते सिमेट्रिक मॉडर्न पे आने के बाद यहाँ पे RC4, मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम बेस्ड RC4 पे वर्क करता है। तो आपको इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऐसा इंटरफेस शो करेगा कि एंट्री RC4, ये जो कि सब की लेंथ होता है ना वो 8 bits का होता है। और नीचे आप देखेंगे ना तो आपके अब दो ऑप्शन दे रहा है कि एक इनक्रिप्ट है और एक डिक्रिप्ट है। तो मुझे इसको इनक्रिप्ट करना था, मैं इसको इनक्रिप्ट करूँगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कि पूरा का पूरा जो टेक्स्ट मैंने लिखा था यहाँ पे ये पूरा इनक्रिप्ट हो चुका है, देख रहे हैं पूरा इनक्रिप्ट हो गया है। अब मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। सपोज अभी मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और हाँ यहाँ पे ना नो इनकोडिंग, मतलब मैंने इसको इनकोड नहीं किया। तो यहाँ पे इसको ओके करने का, और यहाँ पे इसको मैं आ गया मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं यहाँ पे देखो मैं किसी को भेज दूंगा यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट किया मैंने, और इसको मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो देखिए इनक्रिप्ट फॉर्म में चला गया है, देख रहे हैं इनक्रिप्ट फॉर्म, मतलब ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब इनक्रिप्ट में आपको डेटा भेजा किसी को भी। अब मुझे इसको डिक्रिप्ट करने का, तो डिक्रिप्ट करने का भी फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक मॉडल में जाने का, RC4 में जाने का, RC4 में जाके आपको डिक्रिप्ट कर देने का। तो डिक्रिप्ट करते ही ये पूरा मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखे रहेंगे पूरा डिक्रिप्ट कर देगा। तो मतलब इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए ये टेक्स्ट पे, तो ये सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई आपको ये क्रिप्ट टूल को यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हाँ अब ये मतलब इनक्रिप्ट किया, तो आगे आपको सेव चेंजेस कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कुछ सेव नहीं करूँगा, इसको नो करूँगा और मैं सॉफ्टवेयर बंद कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इसी पता है, इनक्रिप्शन कैसे होता है, डिक्रिप्शन कैसे होता है। तो आगे भी मैं ऐसे हैकिंग के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स लेके आते रहूँगा, और भी बोलते ना एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल एक UI में, एक यूज़र इंटरफेस में, GUI में। अभी हम लोग कमांड लाइन की तरफ, मैं खुद कमांड लाइन ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो मैं कमांड लाइन की तरफ नहीं जाने वाला हूँ। तो अभी नॉर्मली मैं जो है ना नॉर्मली जो बेसिक सॉफ्टवेयर है हैकिंग के, उसके जो GUI है, मैं GUI पे बेस्ट मतलब वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ही प्रेस कर देना। कमेंट भी टफ रह देना उसको, एक इजी इन्वायरमेंट में, इजी UI में मैं आपको लिए वीडियो लेके आ दूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।